हेड में यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा फिटेड होता है वो यहाँ पे चल रहा है, जो कि राइट रॉन्ग जितने भी इंगलेट एग्जस्ट जो भी है सब कुछ फिटिंग हो रहा है। फिटिंग करने के बाद इसको डालेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे पुराना पूरा रिंग्स पड़ा है भाई साहब। तो पिस्टन का यहाँ पे क्लिंग चल रहा है बिल्कुल मस्त, एक चमका दिया जाएगा। और यहाँ पे ये पिस्टन रिंग्स है जो कि यहाँ पे दिख रहा है पूरा, उसमें कैसे डालेंगे एक एक करके ऑयल रिंग टम्पर रिंग सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये पुराना हेड गैस्केट है जो कि डेड हो चुका है, ख़त्म है, तो यहाँ पे इसको भी नया डालेंगे। तो मैंने मार्केट से भी लेके आ गया, ये देखिए ये बिल्कुल नया वाला है हेड गैस्केट, डालेंगे तभी मज़ा है गाड़ी में आएगा भाई। इसका चैम्बर क्लीनिंग हुआ है और सभी हम क्लीन करके बाकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल R&D कार सर्विस के इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आज जो टोयोटा का क्वालिस है उसका इंजन ओवर ऑयल करने वाले हैं, जो कि पार्ट्स इसके अंदर का होता है जितने भी होता है वो पुराना हो चुका है, और इस गाड़ी में ऑयल कंप्रेजर आ रहा है जहाँ से ऑयल चेक करने के लिए ऑयल गैस को डालते हैं, वहाँ से फक 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 पूरा वहाँ से ऑयल के साथ साथ वाइट धुआँ आ रहा है और इंजन ऑयल भी मार रहा है। तो इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा बैक कंप्रेशन है और वाइट स्मोक है, और जो पिस्टन के अंदर रिंग्स लगा होता है ना छोटा छोटा, जो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ पहले और आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, वो रिंग्स में शायद गैप हो जाने के वजह, शायद नहीं 100% गैप हो जाने की वजह से, रिंग्स वीक हो जाने की वजह से वही बैक कंप्रेसर आ जाता है, जो कंप्रेसर बनाता है ना वो नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, चैम्बर में चला जाता है, वहाँ से फिर ऑयल गेज के तरफ से ऊपर आता है। तो इस गाड़ी में हम लोग इंजन ओवर ऑयल करने वाले हैं पूरा भथेर से, एकदम पूरा पूरा खोल खाल के और एकदम नया जैसा बनाऊंगा। इसमें कितना खर्च होगा, क्वालिस है ओल्ड मॉडल टोयोटा का क्वालिस, तो आइए शुरू करते हैं और आपको वो चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ कि दोस्तों ये कैसे इसमें टाइमिंग रखा जाता है, पिस्टन कैसे साफ़ किया जाता है, इंजन कितना अच्छे से बारीकी से चेक किया जाता है, वो पूरा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आइए वीडियो में चलिए और डायरेक्ट उसमें भाई साहब। तो पिस्टन का यहाँ पे क्लिंग चल रहा है बिल्कुल मस्त, एक चमका दिया जाएगा। और यहाँ पे ये पिस्टन रिंग्स है जो कि यहाँ पे दिख रहा है पूरा, उसमें कैसे डालेंगे एक एक करके ऑयल रिंग टम्पर रिंग सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये पुराना हेड गैस्केट है जो कि डेड हो चुका है, ख़त्म है, तो यहाँ पे इसको भी नया डालेंगे। तो मैंने मार्केट से भी लेके आ गया, ये भाई यहाँ पे पिस्टन रिंग्स को इंसर्ट वाला है जो कि मैंने ऑयल रिंग का जो स्पेंडर होता है गाड़ी में आएगा वो सबसे पहले लगा दिया, और ऊपर से जो दोनों साइड का स्पेंडर का चैम्बर क्लीनिंग हुआ है अच्छे तरीके से डालेंगे ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो, टूटे ना। इसमें बहुत ही केयरफुली होके इसमें डालना पड़ता है, नहीं तो फिर एक टूटा तो फिर पूरा वेस्ट हो जाता है, टूटता तो नहीं है ऐसे। अब यहाँ पे ऑयल रिंग कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे पाड़ी है जो सेंटर रिंग होता है वो डालने के लिए, तो वो भी यहाँ पे देखिए ऐसे डलाता है, एक एक तरफ का एक मुंह अंदर डालिए, दूसरे तरफ का मुंह पकड़ के थोड़ा सा नीचे दबा दीजिए, वो भी सेंटर में चला जाएगा। देखिए तो ये भी लग चुका है, और पाड़ी है क्या टॉप रिंग का, ऑयल रिंग रख गया, कंप्रेशन रिंग रख गया, और ऊपर टॉप रिंग अब लगेगा। टॉप रिंग लगने के बाद ये लास्ट फाइनल, अब आपको लेके चलते हैं बोर के। तो यहाँ पे बोर में किस तरह पिस्टन को ठोका जाता है, लगाया जाता है, वो भी आपको दिखाता हूँ, और चलिए डायरेक्ट इसमें डालने के बाद दिखाता हूँ। टोयोटा क्वालिस, आज इसका मैं टाइमिंग मार्क आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम मस्त आपको समझा दूंगा, ऐसा टाइमिंग मार्क कोई नहीं बताएगा। तो ये सब कैम का पुली के लिए हो गया, चलिए आपको टाइमिंग दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो जैसे कि मैं जब नीचे आ जाऊँगा तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखने को मिलेगा क्रेंक शाफ्ट, तो क्रेंक शाफ्ट में इंजन में वहाँ यहाँ पर देखिए बूंदी लगा हुआ है एरो मार्क, और यहाँ पर पुली में ये एरो मार्क लगा है, तो ये इसके सीट सामने रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे हाई प्रेशर जो पंप है डीजल पंप फ्यूल पंप, यहाँ पे देखिए एरो मार्क एक बड़ी में दिया है और एक पुली में दिया हुआ है जो कि पेंट किया हुआ है देखिए। और यहाँ पे हो जाता है क्या कैम का, कैम किधर गया, हाँ यहाँ ये कैम का हो गया, जो एरो मार्क दिख रहा है तीर जैसा, वो तीर जैसा पुली में जो कटा हुआ दिख रहा है ठीक इसके सामने रखना पड़ेगा ऐसे, तो मस्त से इसके सामने रखिए, आपका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया हाइडलर बेयरिंग, और नीचे देखिए यहाँ पे ये टेंशनर बैरिंग हो गया। तो अब आपको ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ वीडियो, अभी हम लोग पूरा फिनिश करके इसको स्टार्ट कर दिया हूँ, तो बैक कंप्रेसर कुछ भी नहीं है, ऑयल गेज का
एल गेज का बैक एंड ब्रेकर पूरा ओके। ये बाप रे बोलिए जो यहाँ पे देखिए आयल कैप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रिंग्स है, पूरा परफेक्ट है, बैक कंप्रेसर सब फट गया है, टोयोटा क्वालिस। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग वीडियो देखे होंगे और मैं जिस तरह समझाने का प्रयास किया हूँ वो बिल्कुल मस्त तरीका है। इसमें शायद थोड़ा मोड़ा कुछ कमी हो सकता है, आप लोग बोलिए क्यों। तो जैसा कि दोस्तों मैं गाँव आ चुका हूँ और ये वीडियो है जो मेरे बड़े ब्रदर हैं वो बैंगलोर से मुझे सेंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे एडिट करके वो चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूँ हर एक टॉपिक को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि अनुज भाई इसका टाइमिंग क्या होता है, इसका ये सब क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आपका अधिकार है, हर एक कमेंट्स का जवाब मैं दूंगा एकदम जल्दी से जल्दी दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।